अच्छा यहाँ पे देखिए जरा, तुम्हारे पास जो हमने शेप्स के एतबार से इनके नाम रखे हैं कि एस स्फेरिकल से आया, पी प्रिंसिपल से आया, डी डिफ्यूज से आया, एफ फंडामेंटल से आया। फिर हमने कहा कि पहले चार ही हमें जरूरी हैं, इससे ज्यादा हमें जरूरत है नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फोर से ही काम चल जाएगा। फिर केशन के लिए कौन से सबशेल इसके अंदर आते हैं, तो के में एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन। जब के में एन इज इक्वल टू वन है तो यहाँ वैल्यू जो है वो क्या होती है, एन माइनस वन, यानी कि वन लेस देन द वैल्यू ऑफ एन। तो हमारे पास ये बना कि हमने वन माइनस वन किया तो आंसर क्या आया, जीरो आया। तो जीरो का मतलब है एस, हमने कहा जीरो हो तो क्या होता है, एस होता है। फिर एल चल है, एल में एन इज इक्वल टू क्या होता है, टू। तो टू माइनस वन आंसर क्या आया जी, वन। वन का मतलब जीरो भी होता है और वन भी होता है। वन का मतलब क्या होता है कि जीरो भी होता है और वन भी होता है, ये याद रखना आपने। मैंने जैसे कहा कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए अगर वन भी वैल्यू आई तो जीरो भी आएगा और वन भी आएगा। तो इट मीन्स दैट, क्या मैं कह सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एस भी है और पी भी है। ये देखो, जीरो का मतलब एस और वन का मतलब पी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल शेल है वन एस एंड वन पी सब शेल्स इन इट, एक उसमें एस होता है और एक क्या होता है उसके अंदर पी होता है, एक एस होता है और एक पी होता है। ये दोनों हमने एक्सप्लेन कर दिए कि इसके अंदर एक एक है। अगली बार अगर मैं के शेल के बाद एल शेल के बाद एम शेल की तरफ हूं और एन शेल की तरफ हूं, ठीक है, एम शेल और एन शेल की तरफ आऊं, तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो सिनेरियो सुने, एम में एन इज इक्वल टू कितना है, थ्री। इसमें एन इज इक्वल टू कितना है, फोर, सही है। अब वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, थ्री माइनस वन, आंसर क्या आया, टू। यहां पे क्या होगा, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, फोर माइनस वन, आंसर क्या आया, थ्री, ठीक है। इस टू का मतलब क्या है, इसका मतलब है एल का मतलब इसमें जीरो भी है, वन भी है और टू भी है। इसमें थ्री का मतलब क्या है, एल का मतलब है इसमें जीरो भी है, वन भी है, टू भी है और थ्री भी है, सही है। अब इसका क्या मतलब है, जीरो का मतलब क्या होगा, इसमें एस, वन का मतलब पी, टू का मतलब डी, इसके अंदर तीनों है। ऐसे इसके अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है और साथ में और कौन आ गया, एफ आ गया। तो हम कहेंगे यहां पर क्या कि जो हमारे पास होता है ना एम शेल, इसके अंदर एस पी एंड डी सब शेल्स होते हैं और हम इसे कहेंगे एन शेल है एस पी डी एंड एफ सब शेल्स, ठीक है जी। इसके अंदर कितने होंगे जी, ये तीन होंगे, सही है जी। और इसके अंदर कितने होंगे, चार होंगे। तो यहां से हमें ये पता चला कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी शेल में मौजूद सबशेल्स के नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और उनके नाम भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। अब मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान रिलेशन बताना चाहता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के दरमियान रिलेशन बताना चाहता हूं, ताकि हम लोग इसे डिटेल से समझ पाए कि हमारा असल में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा शेल, फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ एन, फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ एल, यहां पे एन की वैल्यू, यहां पे एल की वैल्यू, यहां पे लिखूंगा सब शेल और यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स इन
सबशेल, और यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। ये चंद चीजें हैं जो आपने नोट करनी है ताकि हम लोग अच्छे से टेबल को समझ सके, बना सके और इसे देख सके। देखो सबसे पहले शेल को दिखाएंगे आपको, फिर उसके अंदर वैल्यू ऑफ एन कितनी है, फिर वैल्यू ऑफ एल कितनी है, फिर उसके अंदर अगर एल की वैल्यू पता चल गई तो सब शेल कौन कौन से हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड अटेम्प्ट फिर थर्ड अटेम्प्ट, तो इसकी हेडिंग दे सकते हैं आप रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजी मुथल क्वांटम नंबर। अब देखिएगा हमारे पास शेल कौन कौन से हो सकते हैं, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, के एल एम और एन हो गए। ओके अच्छा अब बताइएगा इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर बात है 1, इसमें क्या होगी 2, इसमें क्या होगी 3, इसमें क्या होगी 4, अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हमने। फिर इसकी वैल्यू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ n होती ना, तो 1 लेस देन वैल्यू ऑफ n हुई तो क्या हुई, यहां पे मैं लिख सकता हूं एक में से एक निकला 0, 2 से कम 1 1 होगी ना, यानी कि 0 भी है और 1 भी, स्टार्ट ये 0 से होती है, 3 है ये वाली इससे कम होनी है, तो इसका मतलब 0 है, 1 है और 2 है, 3 नहीं है, यहां 4 है, इसका मतलब है 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, 4 नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू n से 1 क्या होती है, कम होती है, n की वैल्यू n से 1 तक क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे पास पहली 3 लाइनें आसान सी थी जो कवर हो गई। अगली बात, अगर 0 हो l की वैल्यू तो क्या होता है s, अगर 0 हो तो s, 1 हो तो p, 0 हो तो s, p और फिर d, s, p, d और फिर क्या होगा 3 होगा तो f लिखेंगे। अब मसला एक है, वो क्या मसला है, उस मसले का भी हल निकालना चाहते हैं हम लोग, तो जरा गौर से देखिएगा, ये भी s है और ये भी क्या है s है, तो इन दोनों s में फर्क है, ये s है पहले शेल का तो इसलिए इसे क्या लिखते हैं 1s, ये दूसरे शेल का है तो इसे लिखेंगे 2s और इसे भी क्या कहेंगे 2p, इसे 3s 3p 3d, इसे 4s 4p 4d और 4f, तो इसके लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है असल में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि ये जो शेल है ये कौन से शेल, ये जो सब शेल है ये कौन से शेल से रिलेशन रिलेटेड है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, लेकिन ये वाला s कौन सा है 4 का, ये वाला s कौन सा है 3 का, ये वाला s कौन सा है 2 का, सही है। अब आसान सी बात आपने बता ली है, बताइएगा s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका सीख लें, और मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका बता देता हूं, असल में ये टेबल के बाद है तो मैं इसे टेबल के साथ रिलेट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएंगे देन आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे निकलेंगे, वो निकलते हैं 2 into 2l plus 1, कैसे निकलते हैं 2 into 2l plus 1। अच्छा तो फिर निकाल के दिखाएं कि देखिएगा s सबशेल ऐसे ही, p सबशेल ऐसे ही, डी सबशेल और फिर एफ सबशेल, इनके जरा इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो अभी निकल आते हैं। बस आपने बताना ये है कि इसमें एल की वैल्यू क्या है, आपको पता है 0 होती है, इसमें एल की वैल्यू क्या है 1, इसमें एल की वैल्यू क्या है 2 और इसमें एल की वैल्यू क्या होती है 3, ये पहले ही आपको पता है 0 1 2 3 वाला ग्राफ आपको पहले ही याद है। अब 2 into 2l plus 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 into 2 के साथ क्या है 0 plus 1, आंसर क्या है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले 2 into 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 3, 3 2s are 6,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले, 2 इंटू यहाँ पे 2 के साथ जो L की वैल्यू उधर क्या लगाओ, 2 प्लस 1, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 10, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। फिर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, 7 2 14, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 14। तो इसका मतलब है S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सेट आपको बताना चाहिए, S में कितने 2, P में कितने 6, D में कितने 10 और F में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फार्मूला कौन सा है, 2 इंटू 2L प्लस 1, 2 इंटू 2L प्लस 1 के मुताबिक इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है और इसमें कितने है, 14। अब यही हिसाब से मैं लिखने लगा हूं, जरा देखिएगा, S में कितने आते हैं, 2, S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P में 6, S में 2, P में 6, D में 10, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, F में कितने हैं, 14। अब जरा इनकी ओवरऑल गिनती करो, ओवरऑल काउंटिंग करो, 2 है इसका मतलब और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब के पूरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, के में एक सब शेल है एस और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 और शेल में भी टोटल 2 ही हुए ना, 2 और 6, देखो पूरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8, 2 और 6 और 10 18, ये कितने 32, अगर इनको प्लस करो तो भी कितने बनते 32। अगर आप वैसे देखो कि क्या एन शेल में यानी कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 होते हैं, तो आप बिल्कुल इससे सहमत है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2n स्केल से हमने ये बता दिया हुआ है आपको, सही है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 ही है, दूसरे में कितने आते हैं, 8, 8 ही है, फिर 18, फिर 32, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये एक्सप्लेन हो गए शेल्स भी, एक्सप्लेन हो गए सब शेल्स भी, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी, अगर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले तो फिर भी टोटल करें तो उतने ही बनते हैं, उतने ही बनते हैं। तो अगर मैं कहूं एम शेल में कौन कौन सा सब शेल है, तो आप कहोगे 3s 3p 3d, spd कहेंगे, लेकिन 3 3 साथ कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीसरे के है ना, सही हो गया। तो यहां पे मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये शेल्स के अंदर मौजूद सब शेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आया था, शेल का नाम है के, उसमें एन की वैल्यू क्या है, 1, तो हमने फार्मूला लगाया n इक्वल टू n माइनस 1, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ n, डेफिनेटली सबको पता है 1 माइनस 1 0 आया, 0 का मतलब s, इसका मतलब k में सिर्फ s होता है। फिर l में n इक्वल टू क्या होता है, 2, 2 माइनस 1 1 आया, 1 का मतलब है 0 भी होगा 1 भी होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू है वो कहां से हमेशा स्टार्ट होती है, 0 से होती है, तो 0 भी 1 भी यानी कि s भी और p भी, तो इस तरह इसकी वैल्यू 2 आई, तो 2 का मतलब 0 1 और 2, इसकी वैल्यू आई है अपना 3, तो इसका मतलब हुआ 0 1 2 और 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एस पी डी और एफ, ठीक है। तो पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं। तो शेल के अंदर सब शेल के नाम भी हमने पढ़ लिए, सब शेल के जो है वो तादाद भी हमने पढ़ ली, और सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ लिए, और टोटल सब शेल में जो सम करके शेल के अंदर निकाला तो वो भी उतना ही निकला। तो ये था हमारे पास ऐसी मेथड क्वांटम नंबर, तो जब ये आ जाए तो इसे यहां तक हमने एक्सप्लेन कर देना है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वाला भी करना है, ये भी करना है, क्लियर होगी बात। तो यहां तक हमारा दूसरा क्वांटम नंबर डन हुआ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी कीजिएगा, इसके बारे में यहाँ पे ये टेबल मौजूद है और ये हमने सारी चीजें की। लव यू ऑल।